कौन सा इम्पॉसिबल है एक बात हम बता दें। नमस्कार, आप न्यूज पीआर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रीति। दरअसल बीते कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दिया था कि रात के 10 बजे के बाद बिहार में अफसर जिनमें आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, अफसर, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी शराब पीते हैं रात के 10 बजे के बाद। अब सीएम नीतीश कुमार ने भी इस बयान पर चुप्पी तोड़ी है। सबसे पहले आपको सीएम नीतीश कुमार के पूरे बयानों को सुनवाते हैं। सर, जैसे आप समाज सुधार अभियान में लग रहे हैं, वहीं आपके घटक दल के नेता लोग एक तरफ बोलते हैं कि 10 बजे के बाद सब लोग करो अगर शराबबंदी की बात की जाए तो। हाँ सर, इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, यहाँ है, हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ, और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने एक कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना दिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प किए, और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर, इसी से लोग फोटो सब का। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सब का हुआ, सब हाथ उठाए अखबार में छपा, उसके बाद कहीं कुछ बोलना हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, कहेंगे कि भाई इन सब चीजों पर कुछ बोलना उचित नहीं है और बिल्कुल सब लोगों को कॉन्शस करिए, जागरूक करिए, और उसके लिए लोगों को करना, और हम बराबर कह रहे हैं, इसी पर जाएंगे फिर हम लोगों को बताएंगे कि आप जरा बताइए कि किस तरह से शराब पीने से कितना खतरा होता है आदमी के स्वास्थ्य पर, हम प्रचार करेंगे। लेकिन हम तो बराबर कहते हैं ना कि कुछ लोग तो आप जितना बढ़िया काम करिए सब उसको स्वीकार नहीं कर सकता, वो 10% के अंदर होता है, वो 1%, 2%, 5% इधर उधर गड़बड़ करने वाला अलग अलग काम करता है, तो उसके लिए तो नहीं कर सकता, वो तो चाहेंगे सबको जागरूक करने के। सर, आप अभियान पर भी निकल रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, रोज जितनी शिद्दत से आप शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उतने ही शिद्दत से लग रहा है कि शराब के कारोबारी इसको असफल करने में लगे हुए हैं। आप जाते हैं डीएमसीएच में समीक्षा बैठक करके निकलते हैं, अगले दिन कार्टून की कार्टून गाड़ी जब्त होती है शराब की, तो विधानसभा हो, सेक्रेटरिएट हो या मुजफ्फरपुर, इस तरीके के आखिर लोग कौन है सर? आप इतनी समीक्षा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन लोगों को तो हम लोग सजग कर ही रहे ना, और चारों तरफ हम देख रहे हैं ना कहाँ पकड़ा रहे हैं, हम तो बराबर कह देते हैं अधिकारी की राजधानी है पटना, और यहाँ पर तो पूरा ध्यान दोगे तभी ठीक है, और यहाँ पर ध्यान कम दोगे तो नहीं होगा पूरा ठीक, इसलिए सबको कहते कहते हैं एक एक चीज़ को देखिए। लेकिन कितना भी करिए उसके खिलाफ तो कुछ लोग रहता ही ना है, और तरह तरह की बात करेगी, कहीं कुछ हो गया तो उसी को लेकर के कुछ बोलेगा, तो जो मन करे बोले भाई, हम लोगों का उद्देश्य दूसरा कि लोगों को। तो आपने सुना सीएम नीतीश कुमार के बयानों को, दरअसल बता दें कि एनडीए के घटक दल के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी है जो ऐसे बयान देते फिरते हैं जबकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें जवाब दे दिया है और खूब भड़के हैं कि जब शपथ ले चुके हैं, ये जो कानून है विधानसभा से पारित हो चुका है, इसके बाद भी ऐसे लोग अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, तो इस पर ध्यान ना दे, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बेहद ही सख्ती से कार्रवाई भी होती है। इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।